हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। चाय की पे चर्चा पे तो नहीं मैं बोलता, नहीं। तो हम लोग बैंकॉक में है इस समय, और 7th फ्लोर पे हमारा होटल है। बैक साइड का व्यू आपको दिखा नहीं सकता, बाहर का बहुत अच्छा है। इसमें आप शीशे में जूम करके देख सकते हो, बाहर कुछ नहीं नाना है। होटल का नाम आ रहा सामने, नाना होटल का है, कहाँ है वो शीशे में दिख रहा है, नाना होटल? उधर कौन सीधा दिख सा? रहा होगा। अरे JW मैरियट है, नहीं, वो सामने है ना नाना होटल, देखो लिखा कहाँ है पर उसपे? लिखा तो है बाहर, वो शाना श्यामा लिखा ऊपर ब्लू कलर का, हाँ उसके अच्छा, नीचे। हाँ वो श्यामा के नीचे नाना होटल है, ये हाँ JW मैरिट है, वो है JW मैरियट। और वो क्या है, नोवलिटी नहीं, नोवोटेल। बाकी तो सब कमर्शियल बिल्डिंग है, ये भी हाँ ली मैरिडेन सारे होटल्स ही होंगे, और गए है। उन से ऑफिस नहीं, चलेगी। इधर सारे ऑफिस है, 200 मीटर आगे जाओगे इस तरफ सारे ऑफिस है। तो हमने ये क्लब सैंडविच मंगवाया है, भूख लग रही थी तो हमने कहा बाहर जाने में भी टाइम लगेगा, मेरे को जिम भी जाना है तो भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलो जब तक कुछ मंगवाते हैं। फ्रूट्स है इसमें, टमाटर है, पत्ते हैं, चीज पत्ते है तो पता थोड़ी। ही नहीं चलता किस किस चीज के। बाप रे, मुझे दुबई जो है वो ये ऐसे है, स्टिक करके दिया है, अच्छा ये ऐसे, उठाओ। सैंडविच में प्रॉब्लम होती है ना, सब्जियां निकलती रहती हैं, तो उसका अच्छा सॉल्यूशन है। क्या कहते हैं दुबई के लिए? मुझे दुबई ज़्यादा बेहतर कुछ मामलों में थाईलैंड से लगता है, टाइम जोन की वजह से, कि भी मतलब इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है, और मैं जब भी उठता हूँ तो मेरे सारे काम इंडिया के मतलब मुझे मालूम पड़ जाते हैं तुरंत ही। तुम पहले ही आगे हो अब और यहाँ क्या है, 1.5 घंटा ये ऑलरेडी आगे है आगे और मैं ऑलरेडी आगे हूँ, आगे हो। तो मैं एक तो वैसे ही जल्दी उठता हूँ, हाँ, तो मतलब जब मैं एक्टिव रहता तो काम को लेके, तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मिलती नहीं है, लेट हो जाता क्योंकि है वो तो अभी यार ये मान लो, डेढ़ ये घंटा। हाँ अभी तो मान लो यहाँ 12:30 बजे हैं, तो वहाँ पे तो 11 ही बजे होंगे, ऐसे चलता है। हाँ, पर यहाँ का खाना बहुत हेल्दी है, प्योर है, जूस देख रही है, 100% प्योर जूस है, वो हम आपके सामने तो सामने ही निकालते निकालते हैं। वेदर बहुत फ्रेंडली है यहाँ का, मुझे एक्सट्रीम गर्म वेदर नहीं पसंद है और एक्सट्रीम निकाल ठंड नहीं पसंद है, तो तो दिया मैंने। यहाँ पर ये पंगा, उधर चादर पे गिरने वाला है, ये पंगा है। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये फ्रूट्स ये मिल जाते हैं, दुबई में मिलती है। हाँ फ्रूट्स दुबई में भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ऐसे कटे हुए भले ही ना मिले, नहीं तो तुम लाते तो थे वहां पे भी ऐसे कटे हुए? लाता था। हाँ, फिर दिखाते थे पैकेट, ऐसी प्लास्टिक के अरे पैकेट वो तो एक तो नॉर्मल बात कर, तेरी टोन नॉर्मल। चेंज हो जाती है, वो मैंने देखा कैमरे के अभी आगे, थोड़ी देर बाद ना वो जैसे नॉर्मल। नॉर्मल मुझसे बात हाँ करती वैसे बात करना, हाँ थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगी। अच्छे जन बनने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी अच्छे हो तो आपको अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं है। वो लाता था ना ब्लूबेरी ये फ्रूट्स तो लाता था, वाटरमेलन वगैरह भी तो लाते थे, या वो होटल वाले देते थे उस नाश्ते वो में? तो मेरे को होटल से मिलते थे। हाँ नहीं, कटे हुए भी मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है हर मॉल में मिलते हैं कटे हुए, पर वहाँ पर ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे बिल्कुल फ्रेश है ना, वहाँ तो सारी चीज़ें बाहर से ही आती ज़्यादातर, लेकिन कुछ गिरा है क्या? हाँ, सब्जियां किसी खाई थी। यार टिश्यू पेपर खत्म हो गए, जो मंगवाने चाहिए थे, फोन पे बोलती हूँ, अब फोन करेंगे तो 10 मिनट बाद आएगा। अभी जिम जाएंगे ना तो बोल जाएंगे, ट्रेनिंग के लिए चीजें रख देंगे। मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोगों का कैमरा ऑन होता ही जब वो हाँ, मेट्रो जा रही है, उस मेट्रो के सामने मेरा होटल था जो मैं दिखा रहा था मेट्रो का, तुम्हारी टोन तो चेंज हो जाती है, और मैं तुम्हारी बोल रहा हूँ मतलब तेरे अकेले की बात नहीं करूँ, मैंने बहुत सारे हाँ लोगों को देखा है ये नकली जिंदगी जीते हुए। मतलब क्या एकदम से होगा, कॉन्शियस अलर्ट। फोन पे बात आ करेंगे ना तो एकदम आवाज चेंज हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अमजद के देखा था मैंने, मैंने कहा अमजद चले यार तेरे को लेके वीडियो बना दो, पत्तिया की बात है जब आया था पिछले साल,
तो वो ना एकदम ऐसे है कि मतलब वही बात, क्यों करते हो ऐसा? तुम बुरे थोड़ी हो, तुम लोग अपने आप में, इसका मतलब है कि तुम्हारे को ना अपने आप में कोई ना कोई कमी दिख रही है, जिसकी वजह से तुम अपनी रिस्पेक्ट कम करते हो, और तुम्हें जैसे ही तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा देख है रहा तो चेंज तो तुम करने चेंज हो जाते लगे। हो, बॉडी लैंग्वेज ऐसे वैसे वैसे, ये मतलब ये क्या जरूरत है? ये हम लोगों ने पर्सनैलिटी के नाम पे, मैनर्स के नाम पे सीखा क्या है? नकली बनाई तो सीखा है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स जो कराते हैं वो क्या है? वो नकली तो बना रहे हो आप नकली तो बना रहे हो। ये सब चीजें इसलिए गिर रही है क्योंकि तू खुल के नहीं खा रही है। ये जो गिर रही है, क्या हो रहा है कि भी मतलब कि मैं कैसा खा रही हूँ, मेरे को लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। नॉर्मली तुम आराम से ऐसे बिंदास बैठ के, हाँ भाई और जी क्या है, ये वो करते हो ना, वैसे बात करो, वैसे रहो, तुम बुरे थोड़ी हो। उसका तो पेशा ही लोगों को नकली बनाना है, लोगों को नकली बनाते बनाते खुद नकली बन गया। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे हम क्या सीखते हैं? एक्टिंग करना बहुत लोगों को देखा है, मेरी ताई जी थी, मतलब है अभी भी, पर मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है अभी। उनका वही फोन पे आवाज ना, नॉर्मली आवाज जैसे होती होती है फोन पे, हेलो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सारे नहीं होते हैं पर ज्यादातर होते हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, ऐसा मैं भी करता हूं, पर एक लिमिट होती है कि मतलब अब ऐसा थोड़ी है कि मेरा भी मन कर रहा है नाक में उंगली डालने को तो मैं नाक में उंगली डालने लग जाऊं, वो कुछ तो है सभी ना? सेंस या नहीं मान लो किया। तू भी बैठी है या कोई भी बैठा है तो मैं उसके सामने नाक में उंगली नहीं डालूंगा। इसको आप नकली बना नहीं कह सकते, इसको आप थोड़ा सा ये कह सकते हो कि यार मेरे नाक में उंगली, मेरी उंगली मेरी नाक में डालूंगा, पर दूसरे को शायद उस समय वो अच्छा ना लगे, तो हाँ आप कई बार इसलिए ऐसा कर लेते हो। यहां पर आप क्या कर रहे हो? आप अच्छा दिखने के लिए कर रहे हो। दोनों बातों में एक फर्क है। और ये बात इतनी यहां तक नहीं सीमित है, ये चीजें तुम अपनी पर्सनल लाइफ में भी लागू करते हो। सैंडविच अच्छा है, अच्छा है, तभी मैंने कहा बाद में खाऊंगी, बस वो टेस्ट है। एक तो यहाँ पे ये समझाना बड़ा हो जाता है कि भाई इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स चाहिए, उनको लगता है हर चीज में तो मतलब कॉमन है, ढूंढनी पड़ती थी। सैंडविच सर ये क्यों देते हैं सब चीजें? जब भी कोई सैंडविच लो तो साथ में चिप्स जब है। भी नहीं, सारे सैंडविच के साथ नहीं होता है, ग्रिल सैंडविच के साथ होगा, क्लब सैंडविच के साथ होगा, मतलब सभी सैंडविच के साथ नहीं होता, पर वो इसलिए होता है कॉम्बिनेशन की भी। आप एक सॉफ्ट चीज खा रहे हो, एक क्रिस्पी चीज हो, कॉम्बिनेशन ने भी तो लोगों के जीवन को बर्बाद किया है। खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक पीना कॉम्बिनेशन बन गया, बर्गर के पिज्जा के साथ, साथ। पिज्जा के हाँ साथ, मतलब एक गर्म चीज के साथ एक ठंडी चीज हाँ पीना। हमने जूस पीना था, हमने निकाल के रख दिए पहले 20 मिनट पहले कि ये नॉर्मल हो नॉर्मल जाए। हो जाए। हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, गर्म चीज खाओगे तो भी उसको वो पहले मेहनत करनी पड़ेगी उसको नॉर्मल लाने पे, ठंडी खाओगे तो भी वो उसको नॉर्मल करेगा। कॉम्बिनेशंस ने क्या किया, आजकल लोग शाहरुख खान की ऐड आती है जी, बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते बच्चे, तूफान पीते हैं। आप प्रमोट क्या कर रहे हो? बिरयानी के साथ में या किसी भी गर्म हाँ चीज के साथ में आप ठंडी चीज पियो, चंद जबकि लॉजिकली ये बॉडी के लिए हार्मफुल है। पराठे के साथ दही खाएंगे, गरम गरम पराठा दही के साथ। दही तो ठीक है, पराठा तो अपने आप में ही हार्मफुल है। ऑयली भी है सब कुछ, जैसे पराठा दही। तो अपने आप में ही एक धोखा है ना, जो पत्नी रोज देती है अपने पति को। वाह क्या बात बोली है, तो वाह। पति खुशी से मांगता, एक आजकल और, तो एक तू भी तो मुझे साथ साथ पराठे खिलाती थी, साथ के बाद तो टोक देती थी ये रोकती सातवां देगी है, भाई बस करो, ये खत्म सातवां हो है। गया, मेरे लिए भी छोड़ दो। कितनी बार ऐसा हुआ, मैं स्टफ पराठे बनाती थी, बाद में मुझे प्लेन नमक वाले पराठे खाने पड़ते थे। गोभी के पराठे मेरे फेवरेट थे, मूली के, गोभी के। हाँ आज भी गोभी के पराठे, ऐसा थोड़ी कि आज मेरे को फेवरेट नहीं है, आज भी हाँ मैं, पर मुझे मालूम है कि बुरी चीजें ज्यादा अच्छी। स्वाद लगती हैं, ज्यादा अच्छी लगती हैं। धोखा हमेशा ऐश्वर्य राय की शक्ल में ही आता है, खूबसूरत शक्ल में आता है।
कितना टेस्ट लगता है, गरम दो पेड़े के पराठा, गरम गोभी ऐसे खोल के रख दे, फिर उसको ऐसे तोड़ा, हींग भी चाहिए, अरे हींग की खुशबू, फिर उसको ऐसे तोड़ के ऐसे और पर फिर चाय का कप ऐसे होता था, चाय में लास्ट में पीता था मैं पराठे, नहीं मतलब उसका नतीजा तो ये निकल जाता था कि रिमोट और चाय का कप आप पेट पे रखता था, रिमोट और चाय, मैंने इतना पेट भरता था कि टीवी देखता था कुर्सी पे बैठ के, वो फोटो कभी शेयर करूंगा, रिमोट पेट ऐसे था पूरा, मतलब पेट ज्यादा तो आदमी ऐसे ही बैठेगा ना, भाई मैं ये वाला जूस पी रही, मैं नहीं पी रही, खट्टा है, बकवास है, वो ग्रेप्स का है, नहीं कैमरा कौन से वजह नहीं गिरा, लापरवाही वजह से गिरा, देखो मेरे नियम नहीं बना सकता वो ये सही है भाई, देखा था क्या बोलता, ये सही था गुरु ये तेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन था कि इनका भी उससे पहले भी गिरी थी वो, कैचे में जब क्या गिरा था वो तो सेंड भी गलत बनाया, अच्छा मेरे से भी तो टमाटर ही गिरा था नहीं ये लकड़ी में दोष था, उस दिन हम सड़क पर चल रहे थे ना तो बीच में दो तीन पंजाबी थे या पता नहीं पाकिस्तानी होंगे, वो ही लाइन गा रहे बोल रहे कि तो हम साढ़ा कुत्ता कुर्ता तो आधा कुर्ता टॉमी, मैंने कहा अच्छा बहुत पॉपुलर लाइन है, किसी पिक्चर का डायलॉग है ना, नहीं वो एक लड़की थी जो बिग बॉस में आई थी, अच्छा। उसने बिग बॉस में शायद बोला था शहनाज ने, अच्छा हाँ पता नहीं कौन है वो जो हाथ कांपते हैं, हाँ वही है शहनाज गिल नाम है उसका, हाथ कांपते में जो लड़की है उसकी वजह से तो वो सीजन चला था, यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं ये चीजें बिल्कुल नहीं देखता और मुझे पता सब रहता कुछ है, पता यही तो वो याद है वो सब्सक्राइबर आए थे जो अब नहीं है, मतलब सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइबर ही नहीं है जीवन में, उनकी मौत हो गई गोवा में, उनकी डेथ हुई थी, उनकी फैमिली से मिलना है यार एक बार, तो वो कहते थे यार राकेश जी आपको ना, आप कहते हो आपने पिक्चर नहीं देखी, हाँ। और मुझे मालूम आप टीवी नहीं देखते, मूवीज देखते, पर आपके हर वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं एग्जांपल जी आप कोई ना कोई पिक्चर उठा लाओगे, उसका कोई सीन, उसका कोई डायलॉग, मैंने कहा बात सही है पर आप कभी भी देखोगे जो लेटेस्ट मूवीज होंगी उनके डायलॉग मुझे नहीं पता होंगे, क्यों कितने वेब सीरीज की चीजें तुम्हें पता होती है, नाम ही नहीं पता मुझे तो वेब सीरीज वगैरह, जब ये मेरी ऑब्जर्वेशन पावर है कि वो थोड़ा सा देखने पे ही वो याद रह जाता है, और सबसे बड़ी बात क्या है टाइमिंग, पता बहुत लोग हाँ कि किस पॉइंट पे क्या बात बोलनी है वो निकल, और मैं प्लान करके थोड़ी बोलता हूँ, निकल आती है, कई बार क्या होता है किसी से मिलते हो कोई उसने कोई बात बोली कुछ घट जाता है कुछ वहाँ पे क्या बोलना था वो बाद में आता है यार ये बात तो रह गई बोलने को, तुम तो मेरे साथ ऐसा नहीं, और तुम तो पता नहीं वो सामने वाले को मौका नहीं देते, वो सोचता यार ऐसा हुआ था, वाटरमेलन में सबसे बेस्ट लगता है, ये क्या कीवी है या नहीं, वो ड्रैगन फ्रूट ही है, ये ड्रैगन फ्रूट है, ये भी वो जो लाल वाला खाया था वो भी था, वो भी वही था, दो ड्रैगन फ्रूट अलग अलग कैसे हुआ, ये कीवी ड्रैगन एक ही टाइप का था क्या ये भी ड्रैगन फ्रूट है, हाँ। और जो सुबह लाल वाला खाया वो भी ड्रैगन फ्रूट है भाई, अमरूद भी दो कलर में आते हैं रेड और व्हाइट में, ग्रेप्स दो कलर में आते हैं, एप्पल भी ग्रीन आता है आजकल, व्हाइट एप्पल भी देखा हमने, सुबह सुबह नाश्ते में वाटरमेलन खा लो ना माइंड एकदम ठंडक से पहुंच जाते दिमाग को, कोई भी फ्रूट खाओगे ना सुबह दिमाग ना मैसेज, दिमाग जो है वो मैसेज लेता है, अब चेतन मन जो होता है, निकल जो मैं बात बोल रही थी ना वो सही है कि खाने के चीजें साथ में ना हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि हम क्या खा रहे हैं, उससे भी बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, कल हम वहां पे वो वेजिटेबल हमें नहीं सबको सबकॉन्शियस को, हाँ मैं हमेशा बोलूंगा सबकॉन्शियस ही आपका भगवान है, वो हर चीज ऑब्जर्व कर रहा है, हम में डेढ़ शाने हमें पता है ये सैंडविच रखा है ये कीवी रखा है, सबकॉन्शियस को ये मालूम है कि ये खाऊंगा तो बेहतर शरीर नहीं होगा तो रिएक्ट कम करेगा, ये बेहतर है, क्योंकि हमने फ्रूट्स क्यों बेहतर है क्योंकि बचपन में जब पहली बार आंख खोली तो यही सुना कि फ्रूट्स फायदेमंद होते हैं ताकत के लिए होते हैं एनर्जी के लिए, सही बात है, आप अमरीश पुरी की फोटो लगाओ एक तरफ और एक तरफ शाहरुख खान की फोटो लगाओ तो आप अमरीश पुरी की फोटो देख करके पॉजिटिव फील नहीं कर सकते, चाहे वो आदमी अपने आप में जितना मर्जी अच्छा आदमी हो, है ना,
शाहरुख खान की फोटो देखोगे या मतलब एक पॉजिटिव फोटो, इसीलिए जब बच्चा पैदा होने वाला होता तो कमरे में फूल पत्तियां अच्छी फोटो लगाई जाती है, नॉर्मली भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी, या हाँ, हमने इनकी वो भी एक टाइगर का फेस टाइगर का लगाया फोटो लगाया था, वो चेहरा दिवाली से पे खरीद के लाया था कि शेर के गर्दन, और मैंने जाके ना मेन गेट पे ऊपर ठोक दिया और नेल पॉलिश लेके उसके दांत पे खून और लगा दिया लाल रंग का। फिर जैन अंकल आके, अरे भाई क्या कर क्या रखा कर है यार। रखा। तो ये फर्क पड़ता है, गाय को पॉजिटिव इसलिए माना जाए, ये गाय माँ है बाप है ये सब बेकार की बेवकूफ बेवकूफ लोगों की बातें होती हैं कि गाय माँ है गाय ये है, कोई जा गई जा जो पशु है वो इंसान की माँ कैसे हो सकती है, कहानी में आप किसी को भी कुछ भी बना दोगे। मेन बात ये कि गाय एक बड़ी शांत प्राणी है, पशु है, और वो बहुत उसको गाय को आप देखोगे आपको शांति मिलती हाँ, है ना, गाय को आप देखो आपको आपको ना गाय को देख के बड़ा अच्छा फील होगा। उसके देख के अग्रेसिव अग्रेसिव हाँ गाय कि नहीं देखी हमने। तो उससे पॉजिटिव फील आता है, इसलिए गाय हमारे लिए फायदेमंद है। ये कैसा है कि गाय को माँ बना दिया, गाय दूध दे रही अपने बच्चे के लिए और आप वो दूध पी रहे हो, ये कैसी माँ है, इससे अच्छा तो माँ ही नहीं बनाते उसको। सही बात है। ये बेवकूफपन, ये मूर्ख जाहिल गवार लोगों ने गाय को माँ बना दिया है। गाय एक पशु है, बहुत पॉजिटिव पशु है, गाय को देख के आपको बड़ा पॉजिटिव फील होगा, वो बिल्कुल भी उसके अंदर हिंसात्मक एक्सप्रेशन तो ही नहीं सही है कह रहे हो, उसके। डॉग और कैट को लेकर ना मैं वो शैतानियां, हाँ चुलबुलापन, और गाय तो सिर्फ शांत गाय बैठती शांत है बैठ रही थी साथ तो में। आपको बड़ा अच्छा फील होता है, ये सिंपल सा रीजन है। मैंने बोला यार आप गाय का, मैंने वो गौशाला जाता था, मैंने वहां पूछा तो आपकी गाय को आप पूजा कर रहे हो ये कर रहे हो बड़ा वो बना रखा है आपने, ये गाय का दूध क्यों निकालते हो, ये तो बच्चे, क्योंकि मैंने वहां जब जाता था दूध लेने गौशाला तो छोटे छोटे न्यू बॉर्न बच्चे जो होते थे उन्होंने अलग रखे होते थे, हाँ उसको वो खोलते थे पहले, फिर वो बच्चा जब दूध पी रहा होता था तो उसको घसीट के लेके जाते, खींचते थे, वो छोड़ता नहीं था माँ के थन, खींचते थे। मैंने उससे पूछा कि यार ये आप उस बच्चे को और दूध पी रहे हैं, कह रहे नहीं ज्यादा दूध पिएगा तो बीमार हो जाएगा। कोई अपने अच्छा के मैंने कहा तो ये इसमें ज्यादा दूध आया कहाँ से, मैंने कहा फिर ये दूध, कह रहे नहीं ये अगर ज्यादा पिएगा तो बीमार हो जाएगा। मैंने कहा तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कुदरत ने एक माँ के थन में या स्तन में दूध उसके बच्चे की रिक्वायरमेंट से ज्यादा दे दी है, मतलब इसका मतलब कुदरत इनबैलेंस है उसमें, उसमें संतुलन नहीं है। तो कह रहे उनके पास नहीं जवाब ही ऐसा नहीं। नहीं होता वैसा नहीं होता। मैंने कहा आपने आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्शन दे के खुराक में चेंजेस करके इसके थन में ज्यादा दूध भरा, ज्यादा दूध बनाने वाला इसको एक मशीन बनाया ताकि वो दूध हम पी हम सके, पी सकें। ये कैसी पूजा है कि आप गाय की पूजा कर रहे हो और उसको मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हो कि उसके अंदर दूध ज्यादा है। अगर आप ये बात कर रहे हो तो आप एक गाय को, एक नेचुरल गाय को जंगल में छोड़ दो और जब उसके बच्चे होंगे और उसके बच्चे होंगे तो उनमें कभी भी, मतलब इसका मतलब ये कि ऊंट वगैरह जो भी जंगल में जानवर है क्या सबके बच्चे बीमार हो जाते दूध पी के? वो ज्यादा पी जाते एक इंसान पूरी दुनिया में एक ऐसा जानवर है जो और ओवर इतना ईटिंग करता जलील है। नीच जानवर है, जो इंसान एक अकेला इकलौता ऐसा है जो अपनी माँ के अलावा दूसरे की माँ का दूध पीता है। दुनिया में कोई भी ऐसा स्तनपायी जीव धरती पर मौजूद नहीं है इंसान के अलावा जो अपनी माँ के अलावा किसी का दूध पीता हो, और केवल वो तब तक दूध पीता है जब तक उसकी जरूरत होती है, उसकी जरूरत शरीर की पूरी हो जाती है, उसकी माँ के थनों में दूध आना बंद हो जाता है, वो दूध पीना बंद कर देता है, उसका तो जिंदगी में कभी दूध नहीं पीता। पर ये इंसान का बच्चा इतना नीच और जलील है कि ये अपनी माँ का भी दूध पीता है, दूसरे के हिस्से के भी माँ का दूध पीता है, और और उस फिर जिसकी पूजा करता है उसको मशीन की तरह ट्रीट करता है, उसको इंजेक्शन दे दे करके, पता है ये गाय जो पशुपालन करते हैं ये क्या करते हैं, ये एक मेल को लेके आते हैं सांड को और उसकी वो उसको भी ब्रीडिंग तो इंजेक्ट करवाते इंजेक्ट हैं, करते हैं। इंजेक्शन देते हैं उसको मशीन की तरह, एक आदमी ने सांड पाला है वो बेचता है उसका स्पर्म या उसकी ब्रीडिंग करने के पैसे लेता है, ये प्रॉपर एक बिजनेस बिजनेस है, चल रहा है। उसको आप अपने आप को अपने आप को अंदर झांके कैसे कि हम नीच है हम तो गिरे हुए हैं, तो जी ये हमारी माँ है, ये कौन सी माँ है? गाय के नाम पे पैसा लेते हैं और अपना घर चलाते हैं। मैं वो आदमी हूं कि अपने नाम पे पैसा लेकर के गाय को खिलाता था। मैंने बोला, मैंने कहा तुम ये आ गए यहाँ पर गौशाला के अंदर गाय को खाना खिलाने, यहाँ पर ऑलरेडी बुधवार के दिन है, बुधवार को सारे ज्योतिष बोलते हैं गाय को हरा चारा चारा खिलाओ बुद्धि तेज होगी, सारे हाँ, पहुंच जाते हैं वहां पे हरा चारा लेकर के, तुमने तो देखा ही है फिर गाय खाती नहीं है गाय वो खाती नहीं, वो कहते थे इतना। भैया चारा मत खिलाओ कुछ और खिला दो या कल आकर के खिला देना, बहुत नहीं जी हमें तो ज्योतिष ने हाजिर बोला है। हाजिर खिलाना है। बाहर वो उसी गौशाला के बाहर कूड़े का ढेर था गाजीपुर में ईडीएम के सामने, आज भी होगा क्योंकि कूड़े का ढेर इंडिया से कभी हट नहीं सकता, तो वहां पर वहीं पर गाय कूड़े
कूड़ा खा रही है प्लास्टिक खा रही है, उसे कोई नहीं पूछ, उसे कोई, क्योंकि कूड़े के अंदर जाके गाय को बेचारा कौन देगा। वहां पर क्या है कि पैसे दे दिए, उसने चारा लाके तोल दिया, वो तोल करके वहां पे क्यारी बनी हुई है डाल दिया, फोटो वोटो खिंचवा ली और बात, वही बंदा उठा के बोरी ला के दे रहा है, आप हाथ लगा दो वो बोरी से सब गिरा देगा बस। इतना बढ़िया तो है, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में गाय को मां नहीं माना जाता, गाय एक पशु है जिसके दूध की जरूरत है हमें, और वो इस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। और दुनिया में सबसे अच्छी कंडीशन की गाय जो स्विट्जरलैंड और यूरोप साइड में मिलती हैं, जो सबसे खुश गायें होती है, जिसे हमारे यहाँ पे जिसका बेड़ा गर्क करना है उसकी पूजा करना, उसको उसको देवी बना दो, उसको माँ बना दो। औरतों को माँ बनाया है, देख लो औरतों की हालत, औरतों को, लड़कियों को कंज के देवी बनाया है, उन्हीं के सबसे ज्यादा रेप इंडिया में होते हैं। सही बात है, जिसका बेड़ा गर्क करना है उसको आप माँ बना दो या देवी बना दो, देखो उसी का पतन हो जाएगा। कभी सुअर को देखा सड़क पे लंगड़ा घूमते हुए, जख्मी घूमते हुए, कभी देखा है? क्योंकि सुअर को किसी ने भगवान नहीं बनाया, सुअर को पकड़ते हैं, मारते हैं, खाते हैं। सुअर आपको कहीं पे सड़क पे जख्मी, भूखा नहीं मिलेगा, गाड़ी ने ठोक दिया, ये सब नहीं मिलेगा, गाय मिलेगी। गाय का पूरा अभियान विदर्भ के अंदर, एक सनातन धर्म का व्यक्ति गाय पालता है और वो गाय को जाके कसाई को बेच के आ रहा है, सर्वे है ये विदर्भ के अंदर, क्योंकि गाय है, चारा नहीं है, क्योंकि पहले होता था, फिर वहां बारिश नहीं होती है, फिर वहां पर लोगों ने पता नहीं कौन सी खेती करना शुरू किया, जो ट्रेडिशनल खेती हो रही थी उसको बंद कर दिया प्रॉफिट के चक्कर में, उसको बंद करके दूसरी खेती करना शुरू कर दिया, फिर वही जमीन में यूरिया डालो, बारिश नहीं हो रही है, वो सब करके विदर्भ के अंदर, महाराष्ट्र में पड़ता विदर्भ, वहां पर इतनी बुरी हालत है कि गाय भूख से मर रही है, गाय भूख से मर रही है। सरकार अपने दम पर वहां पे चारा प्रोवाइड करती है, पर कितना प्रोवाइड कर देगी, फिर उसमें भी घोटाले होते हैं। तो वो किसान को मालूम है कि गाय मर गई तो वैल्यू कम मिलेगी, जीते जी बेचाएंगे, तो वहां पर कोई जाकर के ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा कि गाय क्यों बेच रहा है तू, किसाई कसाई को पकड़ के मारेंगे, इसने गाय क्यों मारी, तूने गाय क्यों काटी, तूने गाय क्यों खरीदी, क्योंकि उसका धर्म अलग है, पर जिसने उसको बेची उसको क्या बोलोगे, क्योंकि वो कह रहा है भाई मेरे पास खुद के खाने की रोटी नहीं है, मैं गाय को कहां से खिलाऊं, सरकार जितना चारा दे रही है पशु उससे कहीं ज्यादा है। ये विदर्भ की कंडीशन है, थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है किसी को भी, थोड़ा सा, मैंने भी कोई रिसर्च नहीं करी, मैंने सिर्फ दो चार आर्टिकल पढ़े थे बहुत साल पहले। विदर्भ की हालत ही यही है, क्यों विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग उठती है उसकी, इसीलिए कि भी उसकी हालत बहुत खराब है। विदर्भ एकदम कटा हुआ एरिया, वहां तक नहीं सरकारी सुविधाएं पहुंच पाती, मुट्ठी पर लोग राज करते हैं, ऐसे तो नक्सली बनते हैं, नक्सली कोई मंगल से थोड़ी आए। ये भी सच है, जितना मर्जी वहां पे प्रॉब्लम हो, जब वहां पर कोई चीज सुविधा जाएगी तो उसमें घोटाला होगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लेकर के वही आदमी सड़क पर नारे लगाएगा जिसके पास काम नहीं है। सही बात है, कोई भी आदमी अपनी 1,000-1,500 रुपए की दिहाड़ी छोड़ करके किसी नेता के लिए आवाज नहीं लगाने जाएगा, वो बैठ के फोन पे जरूर बोल देगा कि ये इसकी जय और उसकी जय, ये कर देगा, पर वो अपनी दिहाड़ी का नुकसान नहीं करेगा। अब अगर सबको रोजगार दे दिया तो फिर नेता की तो रैली में कुर्सियां खाली हो जाएंगी। सही बात है, आप लोगों को काम दे दो, लोग ये पंगों में ही नहीं पड़ेंगे। तभी तो संडे और सैटरडे के दिन ये सब काम किए जाते हैं। मुश्किल, एक कानून निकालना है सिर्फ, एक छोटा सा कानून, कि जिसको गौ सेवक अपने आप को डिक्लेयर करना है उसको सड़क से एक लावारिस गाय को गोद लेना होगा। जितने ये टी शर्टें पहन के घूम रहे हैं ना अपने आप को मसीहा बन रहे हैं, गौ सेवक, गौ रक्षक दल, एक एक गाय को, एक आदमी को, एक कंडीशन बनानी है सिर्फ, तभी पहन सकते हो। नहीं, आप अपने आप को गौ सेवक डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको एक गाय पालनी पड़ेगी, लावारिस गाय, जो दूध ना देती हो, जो जंगल, जिसने दूध देना बंद कर दिया है, जो जंगल में घूम रही है, सड़कों पे भटक रही है, उस गाय को पाल लो, ये एक कंडीशन है। फिर देखता हूँ कितने लोग अपने आप को गौ सेवक और गौ रक्षक बोलते हैं, सब नकली पाखंडी झूठे हैं। तुझे मालूम, हम सुबह दूध लेने जाते थे गाजीपुर में, तो वहां पर 10-15 लोग आते थे जिनकी टी शर्टों पे गौ सेवक लिखा होता था। अरे भाई, जो ऑलरेडी दिल्ली की सबसे बेस्ट गौशाला में गायें हैं, वो तो अच्छा। जहां पर जिसके केयर के लिए ऑलरेडी 20 लोग काम कर रहे हैं, जहां पर लोग आकर उसको दिन भर खाना खिला रहे हैं, उनके ध्यान रखने के लिए डॉक्टर आ रहा है, सब कुछ, वहीं पर वो 20 गौ सेवक आते हैं
और वहीं पर आकर के क्या करेंगे, सुबह आकर के मैं देखता था उनके ड्रामेबाजी, मैं सुबह के टाइम जब दूध ले फावड़ा लेके, एक आदमी गोबर को साइड कर रहा है, एक आदमी उसको हाथ फेर रहा है, कोई उसको कुछ फोटो खिला खींच रहा रहे है, हैं। कोई कुछ खिला रहा है। अरे भाई वहां पर उस, वो इतनी बड़ी गौशाला है, उसमें कितनी 700-800 गायें थी, हाँ उसमें ऑलरेडी उन्होंने 20 लोगों का स्टाफ है जो दूध निकालता बेच रहा है। कितने रुपए लीटर दूध लाता था? मैं उस समय आता था 83, हमने लास्ट लिया लास्ट, आज हमने से, एट्टी मतलब थ्री लीटर दूध लिया हाँ था। कितने साल पुरानी बात हो गई है, 18-19 दो हजार में। अठारह की बात है। हाँ तो सोचो कि वहां पर ऑलरेडी वो गायें बहुत हेल्दी है, आप उन्हीं के आकर के सेवा कर रहे हो। हाँ वो बाहर सेवा कूड़े तो में, उनकी जिनकी बाहर जो वो कूड़े पे खा रही है गाय, उसको पकड़ो, उसका एक सर्जरी करवा के उसके अंदर से पेट से प्लास्टिक निकालो, लोगों को जाके गाइड करो कि भैया ये जो औरतें शॉल लपेट के सर्दियों में बैठ के आलू मटर की सब्जियां बनाती है, मटर छीलती है, उस मटर के पन्नी में छिलके को पन्नी में गांठ मार के फेंक देती है, वो गाय वो छिलके खाने के चक्कर में पन्नी खा जाती है। तो आप जाके एक अवेयरनेस कैंपेन चलाओगे, भाई जो ये जो ग्रीन पत्तियां जो मटर वगैरह है, इसको फेंकने के टाइम पे आप इसको अलग से फेंको, इसको या कहीं पे जाके रख दो, कोई ऐसी जगह बनाओ, पर प्लास्टिक में मत बांधो, क्योंकि गाय इसको खाने के चक्कर में प्लास्टिक खाती है। ये अवेयरनेस फैलाओ ना। हमारे घर पे कूड़े वाला आता लेना, हम तो डस्टबिन में सब कुछ एक साथ डाल के उसको दे दे ले जाते। गोवा में ये चीज अच्छी है, वो नहीं लेता, कहता है गीला कूड़ा अलग सूखा कूड़ा अलग चाहिए, उसका कुछ करते होंगे आगे। ये जो घर में कोई कांच का गिलास टूट जाता है, हाँ कोई बोतल टूट जाती है, हम उसको कूड़े पन्नी में में कागज में फेंक, डाल के, कूड़ेदान में, कूड़े के में जानवर जानवर खाते, कितने जानवर जख्मी होते हैं, किसी के पैर कट गया, किसी की आंख फूट गई, उनको वहां जाकर के इनको नहीं याद आएगा। जहां पर एक साफ सुथरी गौशाला है ऑलरेडी, वहां जाकर के टी शर्ट पहन के सुबह बनने में या बन के फावड़ा लेके लग गए लोगों को दिखाने के, देखो किसी को नहीं दिखा रहे हैं। ये सब नकली लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, किसी भी अच्छी संस्था के साथ जुड़ते हैं, किसी भी अच्छे आदमी के साथ जुड़ते हैं, इससे इनको ये एहसास होता है कि हम भी अच्छे हम भी हैं, अच्छे हैं। अंदर से तो गंदे हैं, तो अच्छे के साथ जुड़ने से अच्छे का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसलिए किसी आदमी को, किसी को देशभक्ति की नहीं पड़ी है, पॉलिटिकल पार्टी की नहीं पड़ी है, एक नेता की चमचागिरी करने के चक्कर में एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं और कहते हैं हम तो देशभक्त हैं। कोई देशभक्त नहीं है, इनको देशभक्ति से नहीं, इनको अपने आप को अच्छा दिखाना है, या अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए पावरफुल नेता की चमचागिरी करते रहते जिंदगी भर। नेता के साथ गाजियाबाद वगैरह में देख लो कितने होर्डिंग, आज हमारे फलाने भाई साहब जी का जन्मदिन है, हार्दिक शुभकामना, होर्डिंग लगा रहा है। भाई साहब को मालूम ही नहीं भाई साहब को फोटो भेजेगा, भाई साहब कहेंगे ठीक है, कभी काम काम पड़े तो बता दियो, बता। काम जिंदगी में नहीं पड़ेगा, भाई साहब के होर्डिंग 20 लगा दी होंगे इसने। थोड़े दिन बाद वही भाई साहब जो है पुलिस से भगे फिर रहे होते हैं। मुझे कितने, वो उसने बोला नहीं, वो भी लाइब्रेरी में आया था कि अच्छा आप एनजीओ चलाते हो, मैं कहा नहीं, तो आप एक एनजीओ बनाओ, हमारी तो एक एनजीओ है ना, नदी वगैरह ये सब बीच साफ करते हैं ये कर। मैंने कहा मुझे जो करना होता है ना मैं अपने आप करता हूँ, मुझे ना तो एनजीओ की जरूरत है ना किसी पोस्टर की जरूरत है। सही बात मैंने है। अपने बच्चों को सिखाया कि जहां पे भी जाओ, अगर बीच के किनारे जाओ, कोई गंदगी दिखे उसको उठा के डस्टबिन में डाल दो, बगल में डस्टबिन है। मैंने कहा मैं इसके लिए मैं एनजीओ बनाता फिर। सही बात है। आप एनजीओ बनाई इसीलिए कि आप यहाँ पे मुझे अपनी एनजीओ की डिंगे दिखा रहे हो। मैंने कहा ये लाइब्रेरी का किसी को नहीं मालूम है कि ये किसकी है, ना मेरा वहां पे नाम है, ना मेरी वहां फोटो है, ना मेरा वहां पे कोई लेना देना है। वो दिल्ली में हमने वो प्याऊ बनाया, किसी को पता है क्या? आज वो उस समय भी, यूज हो रहा है। अरे आखिरी दिन तक तो वो लोग भारद्वाज जी को मुबारकबाद दे रहे थे कि भारद्वाज जी आप पार्षद जी हो तो आपने ही बनवाया होगा। उन्होंने, मैंने मना किया कि मैंने नहीं बनाया, तो आखिरी के दिन उन्होंने लिखा मेरे पड़ोसी मेरे मित्र ने बड़ा अच्छा सराहनीय काम किया, ये किया वो किया। मुझे नहीं, उसने पड़ोसियों ने बोला कि अपने पिताजी का नाम लिखवा दो, स्वर्गीय ये वो। मैंने कहा मुझे क्या पता वो स्वर्ग में हो, मैं स्वर्गीय लिखवा दूं, वो नरक में पड़े हो तो। या तो आप मुझे कंफर्म कुछ पूछ करो, तो दो, कंफर्म करो कि वो स्वर्ग में ही है कोई और पौवा चल रहा है उनका। खुश भी है भाई, हाँ वहां पे रह के खुश ही नहीं है, फायदा क्या। नरकी है मैं लिखवाऊंगा नहीं, स्वर्गीय का मैं कंफर्म नहीं हूं, और कंफर्मेशन बायस मैं हूं नहीं आपकी तरह कि जिसका बाप मरता है वो स्वर्गीय होता है, तो फिर तो हिसाब से नर्क खाली होना चाहिए। नर्क है ही क्यों? अरे पता तो इन्हें ये भी नहीं कि स्वर्ग भी है कि नहीं है। ये खा लो, खा ले तू, बात समझ रही है, किसी जानवर की सेवा करने के लिए आपको उसकी टी शर्ट पहनने की जरूरत नहीं जरूरत है। नहीं है। सही बात है। और वो कोई एक ही जानवर फिक्स हो, वो भी कोई जरूरी और नहीं है। हाँ ये तूने बहुत सही इंपॉर्टेंट बात बोली कि एक जानवर मतलब ये क्या है कि गाय के लिए तो आप मर लोगे, दूसरा जानवर कहीं मर रहा है तो वो, तुझे मालूम मैंने मिली से सांप बचाया था, हाँ। और कितनी मिली को कुत्तों से बचाया, मिली को मिली कुत्तों से से बचाया, सांप को खुद मिली से बचाया, और कई कुत्तों को भी बचाया। कितनी बार तो
कितने के? हमने अपने ख्याल से 10-11 कुत्तों को तो हमने वहां भेजा ही भेजा ही एनजीओ में। हमने। वो कितनों को पाउडर वाउडर डाके डालते थे, वो क्या लिया ये था हमने वो दवाई लेके घूमते थे कुत्तों गाड़ी की। में रखी रहती थी। ये तो गोवा में जरा कुत्तों की हालत अच्छी है। मेन बात ये कि आपको जो भी करना है उसका, देखो ऐसा थोड़ी कि मैं जो कर रहा हूँ उसका लोगों को पता नहीं है, हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, मैं भी तो बात कर रहा हूँ। बात ये है कि आप इंटेंशनली, आपका पहली प्रायोरिटी ये है कि लोगों को पता चले, तब वो चीज नकली हो जाती है। कितने ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि हम पहले उसमें, अब उस समय वीडियो थोड़ी बनाने लग अभी जैसे जाए। वीडियो चल रहा है, चाय पे चर्चा चल रही है हमारी, मान लो, तो तूने तू कोई चीज इसलिए नहीं कर रही कि भी लोग देख रहे हैं। हाँ बहुत सारी चीज मैं भी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भी लोग लोग देख देख रहे रहे हैं। हैं मान लो मेरे को नाक में उंगली डालनी, जैसे मैं उदाहरण दिया, तो मैं नहीं डालूंगा क्योंकि यार रिकॉर्डिंग हो रही है, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। सही में। हाँ बात यह है कि प्रायोरिटी क्या है। ठीक है। तुम्हारी कैमरा ऑन होते ही प्रायोरिटी ये चीजें हो जाती है, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे बैठे, कैसे उठे। मेरी प्रायोरिटी की, मेरी प्रायोरिटी में पहले मैं होता हूँ, उसके बाद होता है कि अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, चलो ठीक है यार कुछ चीजें नहीं करते हैं अभी, बस इतना इतना फर्क है। ऐसा थोड़ी कि मैं कोई बिल्कुल अलग हूँ। आप जानवर की, ऐसा थोड़ी मैं कभी नहीं बोलता मैं एनिमल लवर हूँ, क्योंकि एनिमल लवर जो है वो अपने आप को तकलीफ में डाल के भी एनिमल की मदद एनिमल करते की हैं। मदद मैं करते वैसा नहीं हूँ, हैं। मतलब मैं अपने आप को, मैंने नहीं पाया कि भी मैंने अपने आप अपना नुकसान करके कभी जानवरों की मदद करी हो। वो एक बार बस कानपुर, औरैया से कानपुर वापस आया था, तो उसमें भी मेरे को, मतलब मैं तो वेला ही था। या कई बार कुत्तों को जैसे मैंने वो एम्बुलेंस वगैरह में भेजा, तो मेरे को 2-3 घंटे खड़े रहे। उसको कोई, मैं ये बोलूंगी मैं देखो 3 घंटे खड़ा रहा था, वो पर्रा रोड पे वो कुत्ता जख्मी था, तो 3 घंटे में खड़ा रहा, ये कोई ऐसा थोड़ी होता है। अभी वैसा कोई इंसिडेंट आया भी नहीं कि इसको तुम कैसे कहो कि तुम ऐसा नहीं करोगे। नहीं, पर मैं करूंगा नहीं करूंगा वो मोमेंट बताएगा। मैं अभी से कैसे अभी डिक्लेयर कर तो दूं कि मैं बहुत अच्छा हूं जी, मैं तो अपनी कुर्बानी देकर के भी जानवरों की सेवा करूंगा। मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऐसा मोमेंट आया अभी नहीं, आए नहीं। आएगा तब की तब देखेंगे। तो ये जो है ना कि भाई हम गाय की सेवा, गाय का मट्टी पलीत करके रख दी गाय की, मतलब जो गाय ऑलरेडी बहुत बेहतर पोजीशन पे, आप उसको अभी कितने वीडियो वायरल होते हैं कि गौशाला, सरकार ने गौशाला बनाई हुई है, वो वहां पर जानबूझ करके बीमार गायों को लोग लाके छोड़ देते हैं कि बीमार है, इलाज होगा, वो उसको मरने के लिए खुले में छोड़ देते हैं, बारिशों में छोड़ देते हैं और टाट से ढक देते हैं कि मर जाए, क्योंकि मरने के बाद उसको वो बेच देते हैं, उसमें उनको कमीशन मिल जाती है। लाश सड़ेगी तो उसको कहीं ना कहीं उसमें से बहुत सारी चीजें काम की होती है, तो ये हरकतें चल रही है, क्योंकि इंडिया में विल पावर की कमी है, और अगर विल पावर के चक्कर में, कोई नीति के चक्कर में बन भी गई तो इंटीग्रिटी की कमी है। इंटीग्रिटी की कमी। मैं थाईलैंड में कीड़े मकोड़े से लेकर के मगरमच्छ तक सब खाते हैं, पर यहाँ के पशु पक्षी जानवर इंसान से बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, ये अजीब बात नहीं लगती आपको? सही बात है। स्वीडन में, स्विट्जरलैंड वगैरह में गाय को गाय माना जाता है, पशु है वो, वहां पर बहुत बढ़िया हाल में है, उसकी दूध की क्वालिटी देखो, सब कुछ बहुत बढ़िया है। वही ना, जैसे हमारे यहाँ भी गौशाला में वो बिजनेस कर रहे हैं गाय के साथ, तो वो अच्छी होती है, हेल्दी होती है, बाहर घूमने वाली बेकार होती गाय तो है। गाय, माँ तो फिर क्या तुमने कोई डिसाइड किया होगा कि ये माँ तो इन्होंने डिसाइड किया है, मेरी माँ तो बहुत अच्छी, तेरी माँ खराब। मेरी माँ, अगर माँ ही अच्छी है तो फिर भाई जो बीवी है वो भी तो तुम्हारे बच्चों की माँ है ना, फिर तो माँ की जो जो माँ बनेगी फिर तो सब अच्छी होनी चाहिए। ये वो पूरा बात कंप्लीट करो ना, इसमें जावेद अख्तर ने बहुत सही बोला था कि यार बीवी जितना मर्जी अच्छा खाना बना ले यार, पर वो बात नहीं है जो मेरी माँ के हाथ में थी, ये क्या मतलब होता है यार। कौन सा जानवर से आपको खुशी मिलेगी, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, उसी की सेवा करोगे, दूसरे जानवर की नहीं करोगे? मंगलवार को इनको बंदर बंदर याद आ जाएंगे, आगे पीछे ये डंडे मारेंगे बंदरों को। हमारे पड़ोसी नहीं थे, कितना मारते थे बंदरों को, वो चाइनीज पिस्टल नहीं आते जिसमें वो गोली डालते रॉकेट की तरह निकलती थी, उससे बंदरों को मारते थे। लेके रखी थी इतने, मतलब उनका पूरा घर उजाड़ दिया बंदरों ने। हमारे हम यहाँ पे फ्रिज खोलते थे, सामान निकाल के ले गए थे, हमने कभी, मैंने कहा कुछ भी करे जितना कुछ मर्जी नहीं कोई कुछ करते। नहीं कहना, हमारा 1 रुपए का भी नुकसान किया हो तो बता दे आज तक। याद है मैं सोना हुई थी जब, तो बंदर कमरे में घुस गया था, तुम उस समय वॉशरूम में थे और दरवाजा बंद है अपसी बेडरूम में। मैं सोना को, छोटी सी थी अब, 2 दिन की थी, तो सिर्फ उसको कवर करके लेटी थी। वो आए तो चिप्स विप्स जो भी रखा था उस खाने का उठाया लेके चले गए। आपकी सोच आपकी जिंदगी डिसाइड करती है। हाँ उनका क्या मतलब था वो आंटी का, ये पड़ोस में किसके यहाँ क्या हो रहा है, किसकी बेटी किसके साथ भाग गई, किसके घर में झगड़ा हुआ, ये सब का जानकारी थी। जानवरों के प्रति उनको बड़ी प्रॉब्लम थी,
हमारे कुत्तों से प्रॉब्लम थी, हमने जब कबूतरों को ऊपर छत पे दाना डालने लगे तो उनको, अरे यार ये कबूतर यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, बंदरों से उनको प्रॉब्लम थी। क्या हासिल क्या किया है उनकी नेगेटिविटी ने? उनके पति की मौत हो गई बीमारी से वक्त से पहले, उनका जवान बेटा मर गया, उसे तो शादी भी नहीं हुई थी, जवान बिल्कुल बिल्कुल यंग लड़का था वो मर गया। बेटी ने जिससे शादी करी तो जब दुनिया के बारे में बोलती थी कि उसकी बेटी भागी, खुद की बेटी ने फिर कोर्ट मैरिज कर ली बिना बताए। जिसके साथ शादी करी वो भी आदमी सही नहीं निकला, इन्हीं के घर हाँ, आके रहना पड़ा। और जब बेटा और पति दोनों मर गए, कितने 6 महीने के अंदर ही तो मर गए दोनों, एक एक साल साल के अंदर ही के दोनों की डेथ हो गई। अंदर। और दामाद ने मकान बिकवा दिया, अपने कब्जे में ले लिया। हम हासिल क्या किया आपने जिंदगी भर? आपने नेगेटिविटी तो फैलाई। आप जब नेगेटिव बातें करते हो, अभी जैसे कई लोग मेरे को वीडियो पे नेगेटिव कमेंट करते हैं या बार बार करते हैं, एक बार तो चलो समझ में आ, एक बार का कमेंट नेगेटिव नहीं होता क्योंकि वो हो सकता है उसके बाद समझ में नहीं आई। कई लोगों की फितरत नेगेटिव होती है। मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को गाली दे दोगे या मैं किसी को भी गाली दे दोगे, बुराई कर दोगे, इससे तुम ये भूल रहे हो कि तुम अपने अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हो। कि जब आप किसी की बुराई करते हो तो वो बुराई आपके अंदर भी तो हो ही रही है ना, तभी तो आप कर पा रहे हो। कभी भी देखना, इसको क्रॉस चेक करना हो, दुनिया के जो भी कामयाब लोग होंगे, जो भी कामयाब लोग होंगे अपने अपने फील्ड में, उनके पास एक कॉमन चीज होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये जो अभी मान लो बॉलीवुड स्टार है, सुपर स्टार है, सलमान खान, शाहरुख खान, 30-30 साल से राज कर रहे हैं, 40-40 साल से, कभी इनको आपस में दूसरे की बुराई करते हुए देखा होगा? बहुत रेयर चांस मिलेगा, बाई चांस, क्योंकि अगर अंदर से वैसे होंगे तो निकलेगा ना रोज। ये इन सब चक्रों में इनके पास एक पॉजिटिव है, इसलिए वो वहां है। भीड़ यहां बैठ के कोई इसको गाली दे रही है, कोई उसको गाली दे रही है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। हमारे सारे शास्त्रों का एक कंक्लूजन है कि माफ कर दो। बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के आप कभी माफ ही नहीं कर पाओगे। आपको उस आदमी की कमी दिखेगी, आप माफ कैसे करोगे उसको? आज मैंने जिन लोगों को ब्लॉक किया है या जिन लोगों से मैं अपने संबंध नहीं रखता हूँ, जो मेरे जीवन के लोग हैं, इसलिए थोड़ी कि उनसे मेरे को कोई नाराजगी है। मैं उन्हें कभी भी फोन कर सकता हूँ, वो मुझसे बात करने को तैयार है। वो नेगेटिव है, उनका आईक्यू लेवल लो है, ये कारण है। अब नाराजगी थोड़ी है कि और तुमने ऐसा किया वैसा किया, मैं बात करता हूँ सबसे कभी कभी। एक ही मूल मंत्र है आपका, सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, आशावादी होना, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। ऑप्टिमिस्टिक बायस मत बनो। धर्म को लेकर के सारे आदमी आशावादी हैं, पर वो आशावादी ऑप्टिमिस्टिक हैं, पर ऑप्टिमिस्टिक बायस है, और वो ये बात जानते हैं पर मानते नहीं है। आप सारे धर्म को मानोगे, ऑप्टिमिस्टिक बायस हो, और फिर डरोगे अपने जीवन में, पैसा कहाँ से आएगा, एग्जाम दिया है रिजल्ट क्या आएगा। अरे अगर, क्योंकि आप जानते हो कि रिजल्ट तो आपके एक्शन बेस पे आना है, रिजल्ट आपके ऑप्टिमिस्टिक बायस की वजह से नहीं आना है, ये जानते हैं, फिर बनते क्यों? अगर ऑप्टिमिस्टिक बायस हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बायस हो, तो कूद जाओ समंदर में नाम लेकर के, अपने अपने भगवानों का, अपने अपने भगवान का नाम लेकर कूद जाओ ना कुएं में। पता है कि कुएं में बचाने के लिए वो नहीं आएंगे, कुएं में बचाने के, कुएं में डूबने से बचने के आपको एक्शन आना चाहिए। आपको कूदना ही नहीं है, कूद गए तो आपको तैरना आना चाहिए, ऊपर से कोई रोशनी आकर आपको नहीं बचाने वाली। इत्तफाक को चमत्कार चमत्कार का नाम दे दे करके महसूस करते हैं। प्रैक्टिकल होने को ये नास्तिक समझते हैं, और ऑप्टिमिस्टिक बायस होने को ये आस्तिक समझते हैं। मेरे साथ सब अच्छा होगा, ये ऑप्टिमिस्टिक है। मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, ये ऑप्टिमिस्टिक बायस है। और सबसे खतरनाक तो वो ऑप्टिमिस्टिक बायस है
जो कहते हैं मेरे साथ सब अच्छा ही होगा और मेरा ये गुरु ये सब मेरे साथ है, और फिर वो डरता है यार पैसे काम धंधा मंदा चल रहा है यार, अभी अगर गया मैं धार्मिक स्थान पे इसी गुरु के दर्शन करने तो काम का नुकसान हो जाएगा, बच्चे की छुट्टियां कब है। मैं कहता हूँ ना, मेरे को आज तक मेरे जैसा आदमी नहीं मिला। याद है जब हमें जाना होता था बालाजी, तो हम तो परवाह ही नहीं करते थे, अरे बच्चों के एग्जाम पे चले गए। एग्जाम छोड़ो, एक बार तो जब हम वापस आ रहे थे, गाड़ी में पेट्रोल भी बहुत कम था और कुछ 400-500 रुपये पड़े थे। हम वो फ्यूचर ग्रुप की पेमेंट का वेट कर रहे थे कि आने वाली है। तुमने कहा था कौन, वो जब मथुरा साइड से आते थे भरतपुर वगैरह होते हुए, तब तुमने कहा था कि चिंता मत कर, आ जाएगी पेमेंट, आ जाएगी पेमेंट। फिर पेट्रोल पंप तक आते आते तक पेमेंट आई, तो हमने इधर आ गए भरतपुर से आके, आके मथुरा साइड आके हमने वो पेट्रोल पंप पे पेमेंट, वो पेट्रोल लगवाया था। ये जो मैंने कहा था ये ऑप्टिमिस्टिक बायस था, है ना, पर तुझे मालूम नहीं कि मेरी जेब में उस समय हमेशा एक 1,000 का नोट होता था, उस समय 2,000 का नोट नहीं आया था, 1,000 का नोट ही बड़ा नोट होता था। मेरी जेब में हमेशा 1,000 1,000 के 2 नोट या 3 नोट हमेशा एक कोने में दुबा करके रखे होते थे पर्स में, उन दिनों में पर्स रखता था अमरजेंसी के लिए। मैं ऐसा बेवकूफ था कि भी मैं अपनी फैमिली को वो ले लेके ऐसे करके, और चल रहे। सेंट्रो थी उस समय हमारे पास, कि सेंट्रो एक सेकेंड हैंड कार थी हमारे पास, सेंट्रो वो लेके मैं बिना पेट्रोल के फैमिली को लेके हाईवे में, वो भी भरतपुर जैसे इलाके के अंदर में चल रहा हूँ। मैं कहता ना पेमेंट आ जाएगी पेमेंट आ जाएगी, मेरे को मालूम था पेमेंट नहीं आएगी, मैं वो पर्स में वो हाँ अंदर ऐसे फोल्ड करके, नहीं आदमी रखते, बहुत लोग रखते हाँ हैं, उसमें से निकालूंगा 1,000 रुपए का तेल डलवा लूंगा, 1,000 रुपए के तेल में पहुंच जाऊंगा आराम से। पर एक उम्मीद लेके चलते थे ना कि हाँ वहां से आ जाएगी पेमेंट, आ जाएगी। हाँ तो वो पेमेंट भाई काम किया तो पेमेंट आएगी, ये ऑप्टिमिस्टिक है। पेमेंट नहीं आई तो क्या करना है, उसको समझदारी ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक बायस नहीं जाके, नहीं जी ईश्वर सब ठीक करेंगे, और चल पड़े जी कूद गए। ये जितने भी लोग इस तरह के दावे करते हैं उनको बोलो ना कि भी ईश्वर का नाम लेकर के आग में उंगली डाले, मोमबत्ती जलाए उसमें उंगली डाले ना, धर्म बना था उन लोगों के लिए जो जिनका आईक्यू लेवल कम है, जिनको पॉजिटिव होने के लिए कोई वजह चाहिए। भाई हर आदमी थोड़ी रैशनल होता है या हर आदमी थोड़ी प्रैक्टिकल होता है, जिसको अपना जीवन डिजाइन करना नहीं आता जहाँ वो। जिसको मतलब अपना, हर आदमी लीडर नहीं होता ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन का मकसद होता है कि हमें कोई लीड करे, हमें कोई ऑर्डर दे, तो उन जैसों के लिए एक जीवन शैली बनी थी धर्म। एक ये जिस कर्म कांड को ये मानते हैं जीवन शैली थी। पिछले कई सालों में, सैकड़ों सालों में, इसमें इतना तेजी से बदलाव हो गया कि मुट्ठी भर वर्ण ने, एक उसको कुछ कंट्रोल लोगों ने उसको कंट्रोल कर लिया अपने फायदे के लिए और डराना शुरू कर दिया लोगों को। जैसे हर धर्म, घर की अपनी अलग हाँ अलग होती है कि भाई कितने बजे उठेंगे, मजबूत कितने आदमी के लिए धर्म का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो अपना खुद धर्म निर्माण करता है, उसके उसके अपने। अब मेरा जो जीवन शैली है मेरा धर्म है, हम इंसान की कदर करते हैं, हम हर जीव की कदर करते हैं, हमारा धर्म है। हमें नहीं चाहिए कि कोई बैठा हुआ कोई बुड्ढा शुड्ढा ने कभी कुछ बोल दिया और मैं उसको फॉलो करने लग जाऊं। उसने जो बोला वो बात सही बोली होगी उन लोगों के लिए जिनको खुद नहीं आता अपनी लाइफ डिजाइन करना। मैं हमेशा मानता हूं कि धर्म जब भी बना है वो बहुत सही नीयत से लोगों के फायदे के लिए बना है, पर अगर अब आप लोगों को भविष्य का डर दिखा के उसे पैसा कमा रहे हो तो ये तो गलत है ना, ये तो गोरख धंधा हो गया ना। वो थोड़ा बुद्धि का लेवल विकास होते होते आगे गया, यार ये लोग है तो है नहीं, इनमें समझ तो है नहीं नहीं ये सब इसको। में नहीं आया, बहुत सारे धर्म के ऐसे गुरु भी हैं जो बहुत ईमानदार हैं और जो सच्चे मन से लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और करते हैं वो, पर वो गुमनाम है, गुमनाम वो है। गुमनाम है। जो आदमी पॉपुलैरिटी फैला रहा है, ऐसे ऐसे धर्म गुरु हैं जो अपनी एड चला रहे हैं, एड मतलब वो वाली एड नहीं कि उनके वीडियो पे एड चल रही है, वो प्रमोशन कर रहे हैं अपना पैसा दे करके कि हमारे बारे में लोगों को मालूम पड़े। अरे आप में आग होगी तो खुद ही पहुंच जाएगी। कोई आदमी मीडिया बुला रहा है, मीडिया को पैसे दिए जा रहे हैं, डील हो रही है ये सवाल कभी पूछ रहे हो। कभी देखो ना उनके वीडियो, जब मीडिया इंटरव्यू लेती है ऐसे जो गुरु टाइप के लोग होते हैं, उनसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो बड़े लिमिटेड सवाल होते हैं, वही सवाल होते हैं जो वो जवाब देंगे। चलो यहाँ तक भी ठीक है, मतलब कुछ कस्टमाइज किया है। मैं हैरान ये होता हूँ कि मीडिया ने क्या काम किया, मीडिया ने उस वीडियो के अंदर कोई आदमी ऐसे ऐसे गर्दन झाड़ रहा है उसी सीन को उसके से दिखाएगा, हाँ एक आदमी सुनते सुनते आंसुओं से रो पड़ा है उसी को वो दिखाएगा, मीडिया क्यों एडिटिंग में ये कर रहा है, क्योंकि डील हुई है
भाई तुम्हें हम इतना पैसा देंगे, हम भी पॉपुलर है, हमारी कम्युनिटी तुम्हारे चैनल पर आएगी, तुम हमारे हमारे वीडियो में ये चीज दिखाने की हमने बहुत बड़ी बात कर दी है। छोटे छोटे बच्चों ने धर्म गुरुओं की पोल खोल के रख दी है सभा के अंदर, पर भीड़ बेवकूफ की भीड़ वो तालियां बजाती है गुरु के जवाब पे, और वो बच्चा बेचारा अकेला खड़ा हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि फिर मैंने सवाल नहीं पूछा। उस गुरु के जवाब में कोई दम नहीं था, संस्कृत बोल रहा है वो, सिर्फ संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, उसको मालूम है कि इनको नहीं आती है, तो उसने संस्कृत में जवाब दे दिया। लोगों ने कहा ओ वाह 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 वाह, वो बच्चा बच्चे बच्चे को तो जवाब ही नहीं मिला। केवल पंडितों ने ही अपने सारे ज्ञान संस्कृत में क्यों दिए, उनको मालूम था जिनको दे रहे उनके पल्ले नहीं पड़ेगी। बाकी किसी भी तू महान नायक को, किसी भी गुरु को, किसी को भी चुन ले तू, वो सब ने अपनी लोकल लैंग्वेज में ज्ञान दिया। बुद्ध ने अपनी मैथिली और वो जो वहाँ पर जो बोली जाती थी लुम्बिनी के आसपास और बिहार के आसपास भाषा, उसमें दिया। गुरु नानक ने अपनी लोकल लैंग्वेज में ज्ञान दिया, गुरुमुखी में, है ना। सब ने अपनी लोकल लैंग्वेज में, इन्होंने एक लैंग्वेज ऐसी पकड़ ली जो कॉमन नहीं है, जो जिसको पल्ले तो पड़ेगी नहीं लोगों की, तो आज की डेट में भी वही चल रहा है। आपको संस्कृत आती नहीं, पहले मैंने सोचा था, मैं कहा मैं संस्कृत सीखूंगा फिर इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मैं क्या मुंह तोड़ जवाब दूंगा इन बेवकूफ लोगों के लिए, मैं उनसे भिड़ू, इनके पास पावर है, इनके पास पैसा है, इनका क्या, ये तो संस्कृत में दो लाइनें बोलेंगे, लोग तालियां बजाने लगेंगे, पल्ले कुछ पड़ा नहीं। उस दिन लाइन में एक आदमी बोला अच्छा संस्कृत का श्लोक तो बोल के दिखाओ, एक तो बोल के दिखाओ, उससे क्या, अच्छा मैं एक बोल दूंगा फिर तू बोलेगा, दूसरा बोल के दिखाओ, फिर ये बोल के दिखाओ, फिर वो बोल के दिखाओ। सालों से 40 साल तोते की तरह रटे जा रहे, मतलब नहीं पता इनको, वो चाहते हैं कि आपको मतलब ना पता चले। और कुछ 40 में हिंदी में लिखा हुआ है तो उन्होंने क्या किया, सीधा का सीधा अनुवाद कर दिया हिंदी में, वो उसके भाव नहीं समझाए कि भाव क्या है, वो तो आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया ना हिंदी में, उसकी उसकी फीलिंग्स क्या है, हर शब्द की आत्मा वो तो पता ही नहीं। ये बड़ा, पहले मैं सोचता था, मैं कहा मैं बनारस जाऊंगा, वहां पर बहुत अच्छी इसकी सीख, देखो बोला था ना मैंने दिल्ली की बात है कि मैं बनारस जाकर के वहां पे 6 महीने 1 साल रहूंगा और संस्कृत सीखूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप को, मतलब मैं ये अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए मैं इंग्लिश सीखूं या मैं संस्कृत सीखूं, ये तो भाषा है ना, मुझे नहीं आती ये भाषा, मुझे संस्कृत के अलावा और हजारों भाषाएं भी तो नहीं आती है। इंडिया में कितनी भाषाएं हैं, तो सारी थोड़ी आती है। आप लोगों के साथ संवाद उस भाषा में करो जो लोगों को समझ में आती है। जहां पर ये घिर जाते हैं वहां पर संस्कृत दो लाइन बोल करके निकल लेते हैं, और यही आजकल कार्यकर्ताओं का हालत है, जहां वो फंस जाते हैं, नेता जहां फंस जाता है वहां पर भारत माता की जय, भारत माता की जय कह के निकल जाता है। ये यही तो कह रहा हूँ कि ये लोग ढाल की तरह यूज कर रहे हैं इसको, अपने नकली पाखंडी लोग हैं, धूर्त लोग हैं, ये इसको अपने ढाल की तरह यूज कर रहे हैं। बैंक का लोन आप लेते हो, वो इतनी मोटी फाइल साइन करवाता है, हाँ। सारी इंग्लिश में लिखी होती है, हाँ। बैंक वाले को मालूम है कि उसके मोस्टली क्लाइंट जो है वो इंग्लिश में फ्रेंडली नहीं है, इतनी अच्छे ढंग से इतनी इंग्लिश नहीं बोल सकते। दूसरा, अगर किसी को इंग्लिश आती भी है तो उसमें ऐसे शब्दों के इस्तेमाल किए गए हैं जो इकोनॉमिकल इकोनॉमिक्स के शब्द हैं जो उसके पल्ले नहीं पड़ेंगे, वो चाहते हैं कि तुम्हारे पल्ले ना पड़े। जबकि उस सब फाइल का कंक्लूजन मैं तुझे बता दूं क्या है, आप जब हम 100-100 साइन करते हैं ना लोन लेने के लिए, उसमें सिंपल सा एक है, अगर तुम कल को लोन नहीं भर पाए तो इतने महीने बाद मैं तुम्हारा घर या ये गाड़ी उठा करके ले जाऊंगा, कब्जा कर लूंगा, और तुम्हें इतने नोटिस के बाद मैं इसको नीलाम कर दूंगा, अगर उसके बावजूद भी कुछ पैसा बच गया तो वो मैं तुमसे लूंगा, मैं तुमसे लूंगा, और अगर तुम इस दौरान मर गए तो तुम्हारे बीवी बच्चों से वसूल करूंगा मैं। अगर ऐसी भाषा में लिखेगा तो कोई आदमी लोन नहीं लेगा। इस सब बात का ये मतलब है कि मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं मर गया तो मेरी बीवी से मेरा पैसा वसूल करना, मेरे बच्चों से वसूल करना, मैं अपने आप को तुम्हारे आगे गिरवी रख रहा हूं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, ये है इसका मतलब। पर ये कैसे कोई आदमी बोलेगा, पर वहां पे तो वो कीड़े मकोड़ों की तरह पढ़ने को भी नहीं होता, कहते अरे वो चीटियों को स्याही में डुबो के छोड़ दिया ऐसे बारीक बारीक, पहले नहीं टीवी में टर्म्स एंड कंडीशन फटफट 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 बोल के निकल जाते। शाहरुख खान या ये जो भी कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है गेमिंग ऐप की एड करेंगे और लास्ट में बोलेंगे इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, तो अपने रिस्क पे खेलें। तो क्यों आए थे बताने के? तो भाई जब इसमें इतना रिस्क है, छोटा सा, लास्ट में क्यों बोल रहे हो? शाहरुख खान तो ये भी बुलवा देते ना कि भाई देखो ये वो नहीं, शाहरुख खान नहीं बोलेगा, हाँ। ये बाद में पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आएगी अमीन सियानी की तरह, इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, कृपया अपने सोच समझ कर निवेश करें। चलो जी, हो गया काम खत्म।
वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सिंपल बात है। वो भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। उनमें इंटीग्रिटी की कमी है, मुझ में अभी तक है, आगे का पता नहीं भाई, गारंटी नहीं देता हूँ मैं। क्योंकि आप ना जिन लोगों के खिलाफ लड़ते हो ना, लड़ते उसमें संभावना ये रहती है कि आप लड़ते लड़ते उनके जैसे भी बन सकते हो, ये भी एक प्रोबेबिलिटी रहती है। हाँ, वो कौन सी पिक्चर थी, बंद्रा बबली, अमिताभ बच्चन कहता है ना कि मैं अब उनकी तरह सोचने लगा हूँ तभी उनको पकड़ पाऊंगा, तभी उन्हें समझ पाऊंगा। कुछ चीजें मतलब बड़ी क्लियर बातें हैं, मतलब अभी वो या क्या, कोई आदमी अब मेरी 10 मिनट की बात से कैसे सहमत हो सकता है, उसकी इतनी सालों की कंडीशनिंग है। उसको वो उस दिन कह रहा है जी आपके ना धर्म को लेके विचार अच्छे नहीं है, मैं हाई कोर्ट में मिलूंगा आपसे, ये मिलूंगा। मैं कहा उखाड़ ले जो उखाड़ना है, मगर तुम यही कर सकते हो, तुम जैसे लोगों की वजह से देश बर्बाद है। तुम्हें साफ साफ दिख नहीं रहा कि तुम चढ़ा के दिखा दो शिवलिंग पे जल बिना पैसों के, जाओ किसी भी चार धाम के पे, किसी भी ज्योतिर्लिंग पे चले जाओ, वो कौन से आए थे, पशुनाथ मंदिर, पशुनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ मंदिर मंदिर में आए थे। नेपाल। अरे मैं तो रामेश्वरम में भी गया हूँ। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि कोई गरीब आदमी जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, वो किसी भी ज्योतिर्लिंग में जा करके वो दूध चढ़ा दे, जल चढ़ा दूध चढ़ा के आ जाए। फीस है दूध, उसकी, चार्ज है, आप छू नहीं सकते। आपके पास पैसा है, आप 1100 रुपये, 2100 रुपये, 5100 रुपये, ऐसे वैष्णो देवी के अंदर आरती के लिए आपको नीचे फीस देनी पड़ेगी, तब जाकर के आप आरती के विषय। आप बोल दो भाई जो पहले आओ पहले पाओ वाली नीति है, पहले आओ पहले पाओ, जो आ गया पहले वो दर्शन कर लेगा, हमें अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं। आपने डिवाइड किया हुआ है, ये आदमी इतने पैसे देगा तो ये कर सकता है, ये आदमी इतने पैसे देगा तो ये कर सकता है। तिरुपति बालाजी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो आप खुद ये बात डिक्लेयर कर रहे हो ना, फिर आप कैसे उंगली उठा सकते हो करप्शन पे या किसी नेता पे। एक न्यूजीलैंड का एक ट्रैवलर था, उसने लगभग पूरी दुनिया घूमी थी, इंडिया में वो मेरे ख्याल से 3 साल रहा था। उसने अपनी किताब लिखी मोस्ट, नाम नहीं याद मेरे को, मोस्ट करप्ट कंट्री या मोस्ट करप्ट पीपल ऐसे करके उसने लिखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा करप्ट लोग जो हैं वो इंडिया में है, जबकि एज पर सर्वे इंडिया सबसे करप्ट कंट्री नहीं है। उसने कहा कि वो सर्वे इकोनॉमिकल हो रहे हैं, उसने ये अनुभव किया कि इंडिया के अंदर लोग अपने बच्चे को रिश्वत देते हैं, लोग भगवान को रिश्वत देते हैं, मतलब लोगों की अपब्रिंगिंग ही रिश्वत के साथ रिश्वत को होती है। लेके हो बचपन में से ही सिखाया जाता है कि नंबर लाओगे तो ये मिलेगा, जीतोगे तो ये मिलेगा। चलो यार बंद करो, 52 मिनट कौन सी बड़ी बात होगी।